This is NDTV. And you're watching Classics. कहा जाता है कि इंडिया और भारत दो अलग देश हैं। इंडिया शहरों और बड़े महानगरों का देश, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। यहां 21वीं सदी की हर सुविधा उपलब्ध है और आजकल फील गुड का माहौल हर तरफ। दूसरी तरफ है भारत, देहातों गांवों का देश, जहां देश की अधिकतर आबादी बसती है और जहां 21वीं सदी का सपना भी देखना मुश्किल है। क्या पिछले 5 सालों में परिवर्तन के कुछ आसार यहां भी हैं? यह है बिहार का महरौली गांव, जिसमें ज्यादातर आबादी दलितों की है। मैं हूँ महरौली गांव में, जो बिहार का एक छोटा सा गांव है, और मैं यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए कि ये जो पिछले 5 साल में केंद्रीय सरकार कहती है कि बहुत तरक्की हुई है, उसका असर गांव तक क्या पहुँचा है, और 21वीं सदी की जो बातें होती हैं, 21वीं सदी की कौन सी चीज़ें यहाँ पे पहुँची हैं। तो मेरे साथ हैं श्री कृष्ण सिंह जी, जो गांव के एक बुज़ुर्ग हैं। तो आप पहले बताएं, ये जो मैंने अभी कहा ना कि ये पिछले 5 साल में जो केंद्रीय सरकार कहती है कि बहुत कुछ हुआ है, वो आपकी नज़र में हुआ है कि नहीं? वैसे 5 साल के इधर तो सरकार की तरफ से शायद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सड़क देख रहे हैं वो भी तो पहले ही का है ना, ये सड़क भी पहले का है, और इसके अलावा जो इधर सड़क गया हुआ है उस पर तो इतना कीचड़ है। अच्छा, नहीं सड़कें नहीं बनी हैं? सड़कें नहीं बनी। बिजली की क्या स्थिति? बिल्कुल कभी आई ही नहीं, खम्मा ही नहीं गड़ा बिजली का यहाँ। आज़ादी के बाद से लेके आज तक बिजली को आपने देखा ही नहीं? देखा है? ही नहीं। और डुमरी जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ बिजली है। बगल में मैंने इसी पंचायत का गांव है, वहाँ बिजली कभी हुआ करती थी, अब तो नहीं है। पानी है क्या? पानी अपना अपना लोग, पानी तो मिल जाता है 50-60 फीट के गहराई में, इसलिए अपना अपना लोग चपा कर लगा कर रखे हैं, पानी का दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र उधर एक ठो बना हुआ है, क्या उसको कहते हैं, सब मैंने उप केंद्र कहते हैं उसको। उसमें हम लोगों ने डॉक्टर के विषय में कंप्लेन किया, उसके बाद मतलब डॉक्टर आता ही नहीं है, कुछ नहीं, वहीं से हटते ही डॉक्टर बोला हम आइए इसको क्या जानते हैं, हम रिजाइन दे देंगे लेकिन नहीं जाएंगे गाँव में। तो डॉक्टर आता ही नहीं? नहीं, कभी आया ही नहीं डॉक्टर, कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा। तो अगर कोई बीमार पड़ता है इस गाँव में कहाँ जाते हैं? यहाँ से 10 किलोमीटर डुमरांव जाते हैं। परिवर्तन के नाम पे अगर कुछ हुआ है तो ये कि गांव में टेलीफोन आ गया है। टेलीफोन कब से है? 2-3 बरस हो गया। 97। अच्छा, वो सरकार की तरफ से लाइन बिछी है कि अपने आप प्राइवेट किसी ने खोला है? लाइन बिछी है। मात्र 20 कनेक्शन है, 100 कनेक्शन का 98 से पैसा जमा है, किसी को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो काम करता है फोन? कभी कभी तो समझिए कि 15 दिन तक की लोग कहते एक्सचेंज खराब हो गया है, जल गया है, वहाँ संपर्क करने से लोग बोलते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है जो जल गया है, रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं, अगर बन गया तो चालू हो जाएगा, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो हमारे पास सामान नहीं। तो ना होने के बराबर है कि कुछ फर्क पड़ा है आपके जीवन में? फोन से थोड़ा सा यही है कि अगर कहीं हमको बात करना है तो कर लेते हैं, जाना नहीं पड़ता है। गांव में स्कूल तो है लेकिन सिर्फ 8वीं तक। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में गांव से बाहर भेज लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो कहीं के ना रहते। हम लोग गांव में सिर्फ 8वीं तक का ही क्लास है। अच्छा। बस इतना मात्र एक स्कूल है इतने बड़े गांव पर। और टीचर रोज आते हैं कि नहीं? देखा जाए तो आधे टीचर रोज आते हैं, आधे नहीं आते हैं। हम अभी नहीं पढ़ रहे कहीं। अभी नहीं पढ़ रहे? नहीं, छोड़ दिया जी। किस वजह से? पैसा के भाव से। क्या खेती में वो आपको मदद करनी है? खेती में भी फायदा नहीं होता है। हाँ, तो फिर आप कमा रहे हो, क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खेती में हाथ बटा रहे हैं। तो पैसा आपके पास था नहीं इसलिए आप स्कूल आगे नहीं पढ़ सके? नहीं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में जाना था जी। कितना पैसा लगता है प्राइवेट स्कूल में?
एडमिशन का करीब 1200 रुपया लगेगा कम से कम। और फिर आगे? फिर आगे फीस लगेगा यहाँ पे डुमराव में जी। पर आप पढ़ना चाहते हो क्या जी? हाँ जी। आपने कभी कुछ सोचा है कि क्या बनना चाहते हो, या क्या नौजवान जो भारतीय है उसके लिए क्या करना चाहिए? अब क्या सोच सकते हैं हम लोग जब पढ़ नहीं सकते हैं तो। ये सब खेतें किसकी हैं? ये बड़ो आदमी की खेती गृहस्थी है। हाँ। हाँ, सब बड़ा आदमी का है। तो आप लोगों को सिर्फ मजदूरी मिलती है? मजदूरी मिलती है। हाँ। मजदूरी ठीक देते हैं कि नहीं? ठीक, 50 रुपया रोज है। और शिक्षा, कितने लोग शिक्षित हैं हरिजनों में? शिक्षित तो धीरे धीरे सब भी हो रहा है। हाँ, सभी हो रहा है। हाँ, बच्चों अभी पढ़े लिखे हैं, पहले से कुछ अच्छा है पढ़ाई लिखाई में। हाँ, कितनी महिला शिक्षित हैं हरिजनों में? कम से कम 50। आधी? हाँ? आधी से कम भी है। हाँ? आधी से कम? हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ नाम लिख लेती हैं कि किताबें पढ़ती हैं? किताबें नहीं पढ़ती हैं। किताबें नहीं पढ़ती? नहीं, किताबें नहीं पढ़ती हैं। आदमी पढ़ते हैं किताबें? हाँ, आदमी भी पढ़ लेते हैं। नहीं, कितने पढ़ते हैं? कम से कम 100 में 60। अच्छा, और ये जो जो पहले ज़मानों में होती थी छुआछूत वगैरह, वो अभी भी है क्या गांव में? थोड़ा थोड़ा कुछ है अभी। विकास और सामाजिक परिवर्तन न होने का असर सबसे ज्यादा दिखता है दलितों के जीवन में। लेकिन उनकी बस्ती की तरफ हम निकले तो स्कूल के अध्यापक ने हमें रोका। आप इस तरह बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम इनसे पूछ रहे हैं, आप इन... सही उत्तर आपको नहीं दे रहे हैं, मैं बतला रहा हूं। नहीं, मैं सही उत्तर इन्हीं से लेना चाहती हूं। लीजिए, वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो देगा। जो जिस रास्ते से उनका जो काम है वो अलग है, जो काम आप पूछ रहे हैं वो मेरा काम है। मैं अच्छी तरह। आपका काम क्या है? प्राइवेट स्कूल चलाता हूं। और हमारा गाँव इस जिला में सबसे विकसित और सबसे सभ्य गाँव है। आप इसको जाकर कहीं भी देख लीजिए। हम अभी आएंगे आपके गाँव, आकर देखिए। और आपको जब पता, पहले हमको इनके साथ तो जाने दीजिए। और फिर पहुंचे गांव के मुखिया भी। हाँ, अच्छा, मुखिया जी भी आ गए। हम कल आपको ढूंढने आए थे। हम कल पता शाम को चला। हम आपको बाद में आके मिलेंगे, अभी हम हरिजन बस्ती में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हम इनको इनसे बात बात करके फिर आएंगे आपके पास। अच्छा अच्छा, तो आप इधर से प्रवेश कीजिए। हम इधर जा रहे हैं। अरे, यहाँ आप समस्या को देख लीजिए। हाँ, वही तो हम जा रहे हैं। नरियर वाजे फरे लाघवद से। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन कैसे गुजरता है, इस गांव की दलित बस्ती में देखिए। मकान नहीं है बना, झोपड़ी में रहते हैं। वर्षा हो रहे तो तकलीफ होता है, जाड़ा वाड़ा में तकलीफ होता है। आप तो क्या बताएं? तो हमारे वार्ड में यही है कि बहुत तकलीफ है, मकान भी नहीं है। पक्के मकान कितनों के हैं? पक्के मकान अभी तो हर जगह थी, कॉलोनी अभी बन रहा है। अभी 10-15 को तो कॉलोनी बना है। ये पिछले 5 सालों में बन रहा है? हाँ, 10-15 यह बन रहा है, बेसी नहीं बन रहा है। पंचायत स्तर पर बन रहा है। पंचायत के स्तर पे? पंचायत के पैसों से बन रहा है? नहीं, पंचायत को पैसा से नहीं, नहीं। इंदिरा आवास से बन रहा है। इंदिरा आवास से बन रहा है। तो कितने लोगों को मिल गए हैं ये घर? मोटा मोटी 10-15 यह मिला होगा। 80 घरों में से 90 घर है। 90 घर? 90-92 घर है। और उसमें से सिर्फ 10-15 लोगों को मिला है। सुगवा के मरे वो धनुष से सुगा गिरे मुरझाए। मजदूरी नहीं मिल रहा है। मजदूरी मिलेगा तभी ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मजदूरी नहीं मिल रहा है। मजदूरी नहीं मिल रहा है तो अब बेरोजगार है। हम भी बेरोजगार है, बीए पास किए हैं 1986 में, अभी रोजगार नहीं है। बच्चों किसी तरह से रोजी रोटी से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, सही सलामत से मिलता है, नौकरी नहीं मिलता आपने है। किस किस्म की देखी, ढूंढने की कोशिश की है? किए हैं। क्या क्या मांग रहे हैं? घूस मांग रहे हैं, नहीं प्रधान है, पैसा नहीं है कि हम दें, वहाँ पर बहाली हो जाएं। घूस का समस्या है आजकल, बिना घूस का किस काम नहीं होता है। जो भी खर भी है, बिना घूस का काम नहीं चलता।